बंगाल में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, बंगाल में। मुझे कोई परहेज नहीं है इससे, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए कि बांग्लादेश ये उर्दू भाषा के कारण ही ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। ये पूरा जो बांग्लादेश का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पार्टीशन के कुछ ही साल के बाद, वो किस लिए हुआ था? वो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू भाषा इंपोज करना चाहता था, इसलिए वहां पर आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन चलता रहा। और उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हुआ कब? बांग्लादेश। लेकिन ममता बनर्जी ने, उन्होंने नकार दिया उर्दू लैंग्वेज को, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। नॉर्थ दिनाजपुर में किसी स्कूल में दो उर्दू टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई। उस स्कूल में कोई 1700 स्टूडेंट थे। वहां पे कोई किसी ने उर्दू लैंग्वेज के लिए ऑप नहीं किया था, फिर भी वहां दो उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था तो उनको छात्रों ने, वहां कोई 1700 छात्र पढ़ते थे, उन्होंने पूरे ब्लॉक कर दिया, कहा कि हम इनको नहीं आने देंगे क्योंकि हमको यहां मैथ साइंस बाकी टीचर्स की कमी है, आपका उर्दू को क्या, उर्दू का क्या आपको भूत सवार हो गया? तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जबरदस्ती पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करके उनको लाया जा रहा था उस संस्था में, गोली चली और दो बच्चे जो है वो मारे गए। तो आप बताओ कि जो चीज बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, आप इसको वेस्ट बंगाल में क्यों ये कर रहे हो? और आपको मैं बता दूं, छात्र और छात्राएं थोड़े ध्यान दें मेरी तरफ, कि पाकिस्तान का सबसे पहले डिमांड, पाकिस्तान का सबसे पहले डिमांड बंगाल से ही शुरू हुआ था। और याद रहे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे वहीं पे हुआ था। 4000 से, ऑफिशियल फिगर्स में बता रहा हूं, 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1,00,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि उर्दू तो कोई भाषा थी नहीं। विनोबा भावे ने यह सुझाव दिया था आजादी के बाद कि आप उर्दू, जो सो कॉल्ड उर्दू है, उसको आप देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में उसको आप लिखने का कंपलसरी करें। तो ये आज जो ये जो फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस जो कि ये किया जा रहा है लैंग्वेज को टूल बना के, वो आज सक्सेस नहीं होता और इस तरह के विवाद उठते ही नहीं। दूसरी बात, एक बात कही गई कि ये जो संस्कृत में श्लोक की बात है, तमसो मां ज्योतिर्मय, ये कहते हैं कि इसमें ऐसे श्लोक पढ़ने से लोगों के वैज्ञानिक सोच, बच्चों के वैज्ञानिक सोच और उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट में वो विरोधक है। आपको मैं बता दूं कि तमसो मां ज्योतिर्मय क्या है, अगर पूरा श्लोक आप पढ़ें उसमें कहीं किसी देवी देवता का नाम नहीं। वो कहता है, ओ लॉर्ड टेक मी फ्रॉम द पाथ ऑफ डार्कनेस टू द पाथ ऑफ लाइट, अज्ञान से मुझे ज्ञान की तरफ ले चलिए,
मुझे मुझसे मौत का आप खौफ छीन लें और मुझ में अमृतत्व प्रदान करें, उस श्लोक का यह मतलब है। तो ये बताइए क्या ज्ञान अज्ञान रोशनी है, ये इस पर एम्फेसिस क्या ये कम्युनल है?